Hey guys, welcome back to my channel The Real Beauty. Today I'm gonna show a review of Revela Sunscreen Lotion. और रिव्यू के साथ साथ जो भी इसमें मेंशन है प्लस जो ये क्रीम क्लेम करती है वो भी पॉइंट वाइज बताती चलूंगी प्लस एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर कर। सो गाइस, ये सिप्ला ब्रांड का रिवेला सनस्क्रीन लोशन है। गाइस, सिप्ला एक बहुत अच्छी मेडिकेटेड ब्रांड है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया। और क्योंकि ये लोशन बेस्ड सनस्क्रीन है सो मोस्ट ऑफ द डर्मेट इसको सजेस्ट करते हैं। ओके जी, इसमें SPF 50 है सो इट ब्लॉक्स अबाउट 98% ऑफ अल्ट्रा वायलेट ए रेज। देन ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दैट मीन्स स्किन को अल्ट्रा वायलेट ए एंड अल्ट्रा वायलेट बी दोनों रेज से ही प्रोटेक्ट करता है। और ये है लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी, मतलब ये सनस्क्रीन लगाने के बाद आपको एक वेलवेट टच देता है और स्किन पर लगाने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आपने स्किन पर कुछ लगाया हुआ है, और स्किन को स्मूथ भी बनाएगा और वाइट कास्ट भी नहीं देगा। देन नेक्स्ट इसमें है विटामिन ई। सो विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोई बनाता है। देन यहाँ सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मेंशन है, ये पैराबेन फ्री है और वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब अप टू डिग्री ये वाटर को इजीली पास थ्रू नहीं होने देता। देन प्राइस है इसका 540, बट मैंने ये ऑफलाइन स्टोर से ही परचेज किया था और मुझे ये मिला 480 समथिंग का डिस्काउंट पर। क्वांटिटी इसका 50 ml। सो इसका एक टिंटेड वेरिएंट भी आता है बट मैंने वो यूज़ नहीं किया तो मैं उसका बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती। सो ये इसका मैनुअल आता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन और सारी तारीफ मेंशन है इसकी। ओके, सो ये बहुत ही एलिगेंट सी बॉटल है इसकी और ये पर्सनली मुझे तो लुकवाइज डिओड्रेंट जैसा लगा। एनीवेज, ये कैप है इसका और ये पंप है इसका। अब इसका टेक्सचर देख लेते हैं, लिक्विडी वाइट क्रीमी सा टेक्सचर है इसका और इसको लगाने के बाद एक अच्छा सा ड्यू लुक आता है, नॉन स्टिकी फील होता है, स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाता है। ये फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, एक पाउडर की तरह है जो कि सिप्ला ब्रांड का क्लॉसिक पाउडर आता है जो कि एक एंटी एलर्जिक पाउडर है उसकी जैसी है। सो अगर आपने वो पाउडर यूज़ किया हुआ है तो आप समझ जाएंगे, उससे मिलती जुलती है काफ़ी हद तक। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लॉसिक पाउडर का रिव्यू शेयर करूं जो कि एक एंटी एलर्जिक पाउडर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिव्यू भी शेयर कर दूंगी। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट्स ऑलमोस्ट मैंने इसके सारे आपको बता ही दिए हैं। बिसाइड्स इसके मेन बेनिफिट्स और हैं, फर्स्ट इसमें है टीनोसॉफ एस जो एक एडवांस फिल्टर है जो मोस्टली फॉरेन कंट्रीज के सनस्क्रीन में ही यूज़ होता है और स्किन को एक्सट्रीम प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम सन अल्ट्रा वायलेट ए एंड अल्ट्रा वायलेट बी दोनों हार्मफुल रेज से। नेक्स्ट, ये फिजिकल एंड केमिकल का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा तफसील से बताऊँ तो देखिए, दो तरह के फिल्टर्स होते हैं जो सनस्क्रीन में यूज़ होते हैं, एक तो होता है जो सन रेज को रिफ्लेक्ट बैक करता है और वो होती है फिजिकल सनस्क्रीन, और सेकेंडली होते हैं सन रेज जो एब्जॉर्ब करती है वो होती है केमिकल सनस्क्रीन। तो इस रिवेला सनस्क्रीन में दोनों ही के कॉम्बिनेशन है। सो अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सो गाइस, क्योंकि इसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स है सो कुछ मैं आपको ज़ुबानी बता दूंगी और कुछ मैं मेंशन कर दूंगी। सो फर्स्ट इसमें है प्योरीफाइड वाटर जो सॉल्वेंट का काम करता है। नेक्स्ट इसमें है अल्की बेंजोनेट जो एक इमोलिएंट होता है, स्किन को सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज करता है। नेक्स्ट इज ऑक्सिनोजेट, ये सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट बी रेज को एब्जॉर्ब करता है और स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। सो ये केमिकल फिल्टर होता है। देन इसमें है ऑक्टोक्राइलिन, तो ये भी मेनली सन की अल्ट्रा वायलेट बी रेज एंड शॉर्टली सन की अल्ट्रा वायलेट ए रेज को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट इसमें है ग्लिसरीन, सो ग्लिसरीन फेस को सपल एंड सॉफ्ट बनाती है। नेक्स्ट इसमें है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बेस्ट इंग्रेडिएंट है फॉर सन अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी रेज दोनों के लिए, ये सन रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करता है। अच्छा, अब अगर मैं स्किन सूटेबल की बात करूँ तो क्योंकि मेरी नॉर्मल स्किन है तो मुझे ऑफकोर्स ये सूट करा। नॉर्मल स्किन वालों को यही बेनिफिट होता है कि उनको मोस्टली सारे प्रोडक्ट सूट करते हैं। सो यस, ये स्किन सॉफ्ट सपल करता है, ड्यू लुक देता है और हाइड्रेट करता है। लगाने के बाद मुझे इतना थोड़ा बहुत वाइट कास्ट लगा, मतलब एक फेस पर लगा कि हाँ मैंने कुछ लगाया हुआ है, एक वाइट वाइट सा टेक्सचर सा लगा और स्टिकी फील नहीं हुआ। अच्छा जी, ऑयली स्किन की मैं बात करूँ तो मेरी सिस्टर ने इसको यूज़ किया था तो उसको लगाने के बाद फर्स्टली उसको थोड़ा चिपचिपा लगा, हाउएवर फ्यू मिनट्स लेटर ये थोड़ा सेटल डाउन हो गया पर, और इसको लगाने के बाद उसको बार बार स्वेट आने लगा और जो उसके एक्ने थे वो भी क्लियरली शो होने लगे। तो फेस पर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे नहीं लगता ये ऑयली स्किन या एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए सूटेबल है। रादर देन, ये ड्राई स्किन के लिए आइडल है और सेंसिटिव स्किन के लिए भी सूटेबल है। इसको आपको हर 3 आवर में लगाना पड़ेगा इफ़ यू आर स्वेटिंग हैवली, और बाहर जाने के 20-30 मिनट पहले ही आप इसको लगा लें। मेल एंड फीमेल दोनों इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। आई होप एज यूजुअल वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, और अगर अच्छी लगे तो गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती है आपसे मजीद वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्यूटीफुल।